जीपीएस सिस्टम लगी कार को लूटकर आए लुटेरे व पुलिस के बीच जिला पुलिस लाइन के समीप मुठभेड़ हो गई। अपने आप को घिरता देख लुटेरे कार को सड़क से नीचे उतारकर पुलिस पर फायरिंग करते हुए खेतों में फरार हो गए। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए दो लुटेरों को काबू कर लिया, जबकि दो लुटेरे भागने में कामयाब हो गए। लुटेरों द्वारा की गई फायरिंग में एक गोली वहां पर खड़ी जेसीबी मशीन के शीशे में लगी। गनीमत यह रही कि उस समय जेसीबी मशीन में कोई मौजूद नहीं था। पलवल प्रत्यक्षदर्शी गांव फुलवाड़ी निवासी भोला ने बताया कि पुलिस लाइन के समीप उसकी जेसीबी मशीन द्वारा काम किया जा रहा है। भोला ने सुबह 10 बजे के करीब मशीन को पुलिस लाइन के समीप खड़ा किया था। कुछ देर बाद एक सफेद रंग की कार तेज रफ्तार से आई, जिसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। कार सवार युवकों ने कार को सड़क से नीचे रोका और कार में से चार युवक उतरे और खेतों में भागने लगे। पुलिस भी उन युवकों के पीछे भाग रही थी। खेतों में भाग रहे युवकों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान एक गोली जेसीबी मशीन के शीशे में लगी, लेकिन उस समय मशीन पर कोई मौजूद नहीं था। पुलिस ने एक युवक को मौके पर ही काबू कर लिया, जबकि दूसरा युवक फायरिंग करता हुआ दीवार फांदकर पुलिस लाइन में घुस गया। भोला ने भी पुलिस के साथ उस युवक का पीछा किया और उसे ग्रामीणों की मदद से पुलिस लाइन में काबू कर लिया, जबकि दो युवक होटल की तरफ भागने में कामयाब हो गए। ये हुआ था जी, मैं तो साइड पे था अपनी पे, मेरी मशीन निकल के जा रही थी, इसके पीछे दोंगे पड़ रहे थे, इसने शीशे में गोली लगी है मेरी मशीन में। इस पे मेरे मशीन को फोन आयो, मशीन पे थे, उसने कही थी भाई को गोली चला रहा हूँ, हम मशीन पे भागे तो हम जाके हमने भाग तो देखो जंगल में खेतन में, फिर इसके पीछे हम भागे तो हमने पुलिस लाइन में घिरवा के दियो पकड़वा। और भी है मेरे साथ पुलिस वाले भी थे तीन चार, हर चीज़ से पुलिस लाइन में जाके हमने यू पकड़वा दिया। कितने बंदे थे जो वे एकला पकड़ा गया, बंदे तीन बोल रहे, तीन बंदे थे, अब पकड़ा गया एक, उसके साथ रिवॉल्वर साथ पाई है लोड हुई सहसाई। फायरिंग भी हुई है दोनों तरफ? हाँ जी फायरिंग हुई है, जिसने फायरिंग करने को तैयार रही है, जो उसके पास जा रहा उसमें मैं सीधी फायरिंग मार रही है। पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई? हाँ जी। कितने बजे की घटना है ये? घटना जी करीबन अभी से 10 बजे की। अब कितनी फायरिंग? सदर थाना में एसआई के पद पर कार्यरत मोहम्मद इदरीस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि पुलिस लाइन के समीप लुटेरे व पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे तो पता चला कि चारों लुटेरे कार को लूट कर आए थे और कार में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ था। जीपीएस के जरिए ही बहादुरगढ़ सीआईए लुटेरों का पीछा कर रही थी। लुटेरे अपने आप को घिरता देख कार को सड़क से नीचे उतार कर पुलिस पर फायरिंग करते हुए खेतों में भागने लगे। पकड़े गए दोनों लुटेरों को बहादुरगढ़ सीआईए अपने साथ ले आई जबकि दो लुटेरे भागने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल ऐसा है, आज हमें सूचना मिली कि पुलिस लाइन के पास बदमाशों ने गोली चलाई। जिस सूचना पर हम पुलिस लाइन पहुंचे तो पता चला कि बहादुरगढ़ की सीआईए पुलिस उन बदमाशों का पीछा कर रही थी। जो बदमाश गाड़ी में थे वो अपनी गाड़ी को पुलिस लाइन के गेट के पास खेतों में नीचे खड़ी करके भाग गए, जिनमें से एक बदमाश को मौके पर पकड़ लिया तथा एक बदमाश पुलिस लाइन की तरफ भागा। जो बदमाश पुलिस लाइन की तरफ भागा था वो सामने खड़ी साइड में जेसीबी पर उसने फायर कर दिया, जो फायर जेसीबी के शीशे पर जाकर लगा, जो बाद में पुलिस ने पब्लिक की इमदाद से उस बदमाश को भी काबू कर लिया। ये पुलिस लाइन के बाहर की घटना है ये जी? तो उस समय पुलिस वहाँ पर मौजूद थी? नहीं, पुलिस ने सूचना पकड़ लिया। इसमें फरार है? इसमें दो बंदे बल्कि भागे थे, जो दो बंदे पकड़े हैं सीआईए पुलिस भादुरगढ़ ने जी, उन बंदों को सीआईए भादुरगढ़ ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया है ताकि भागने वाले जो दो बंदे हैं उनकी पहचान कर सके। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई करेंगे? अगर वो जेसीबी वाले को लिखित दरखास्त देंगे तो उनकी दरखास्त पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक जेसीबी वाले ने हमारे कोई दरखास्त लिखित में दी